तो अहमदाबाद टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने एक मजबूत पकड़ बना ली इस मैच पर। और टीम इंडिया जो WTC फाइनल में डायरेक्ट एंट्री की सोच रही थी, वहां पर अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और एक मजबूत स्टार्ट की है, अच्छा स्टार्ट किया है। और पहले दिन का खेल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए 255 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो स्कोर कार्ड में ट्रेविस हेड ने 32 बनाए, 44 गेंदों का सामना किया, 7 चौके लगाए और लगभग 73 के स्ट्राइक रेट से ट्रेविस हेड ने रन बनाए। उसके बाद उस्मान ख्वाजा ने 104 रन जड़ दिए हैं और नॉट आउट हैं अभी भी। 251 गेंदों का सामना किया, 15 चौके लगाए। उसके बाद मार्नस लेविस्टेंज कुछ खास कर नहीं सके, 3 रन बनाए और वो आउट हो गए। उसके बाद स्टीव स्मिथ कप्तान हैं, उन्होंने 38 रन बनाए, 135 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए, अच्छा खेले लेकिन लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए। उसके बाद पीटर हैंडस्कॉप 17 रन बनाए, 27 गेंदे ली उन्होंने, 3 चौके लगाए। और उसके बाद कैमरॉन ग्रीन, उनके ताबड़तोड़ ऑलराउंडर ऑस्ट्रेलिया के कैमरॉन ग्रीन 49 रन बना चुके हैं, 64 गेंदों का सामना किया है, 8 चौके लगा चुके हैं और अभी नॉट आउट हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होते होते 255 रन बना लिए हैं, 4 विकेट खोए हैं और अभी भी उनके पास 6 विकेट बाकी हैं। तो इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। और अगर टीम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद शमी 17 ओवर फेंके हैं, 2 मैडे ने 65 रन देके उन्होंने 2 विकेट चटकाए हैं। उमेश यादव ने 15 ओवर की गेंदबाजी की, 2 मैडन फेंके, 58 रन खर्च किए लेकिन विकेट कोई उनको नहीं मिल पाया। रविचंद्र अश्विन 25 ओवर कराए, 8 ओवर मैडन फेंके हैं, 57 रन खर्च किए और 1 विकेट रविचंद्र अश्विन को मिला है। और रविंद्र जडेजा की बात करेंगे तो 20 ओवर की गेंदबाजी कराई है, 2 ओवर मेडन फेंके हैं उन्होंने, 49 रन दिए हैं और 1 विकेट रविंद्र जडेजा को मिला है। वहीं अक्षर पटेल 12 ओवर फेंके, 4 मेडन फेंके, 14 रन दिए हैं लेकिन विकेट उनको नहीं मिला है। तो दोस्तों ये था पहले दिन का खेल और जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने एक मजबूत पकड़ बना ली है। वहीं हम बात कर रहे थे श्रीलंका की, तो श्रीलंका ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मजबूत शुरुआत की है और पहले दिन खेल में उन्होंने पहली इनिंग्स में उन्होंने 320 रन बना दिए हैं, 300 से ज़्यादा रन बना दिए हैं, 305 रन बना दिए हैं 6 विकेट पर। तो वहाँ श्रीलंका ने भी अच्छी शुरुआत कर दी है न्यूजीलैंड में जाकर, न्यूजीलैंड के खिलाफ, और 6 विकेट ही हुए हैं। तो यहाँ तक 400 के आसपास अगर श्रीलंका पहुँच रही है तो एक अच्छा स्कोर रहेगा श्रीलंका के लिए भी। तो जो टीम इंडिया का WTC फाइनल में डायरेक्ट एंट्री थी इस मैच को जीतकर, वो कहीं ना कहीं मुश्किल में लग रहा है, क्योंकि इस मैच को जीतना टीम इंडिया थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर शुरुआत की है ऑस्ट्रेलिया ने और 255 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर, वहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।